धीरज बालोटिया और आप देख रहे हैं AN24। चलते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर है शिवपुरी जिले के बैराल से, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर की लापरवाही के एक के बाद एक मामले सामने आने के बाद भी प्रशासन वहां पदस्थ डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, जबकि उक्त डॉक्टर का रिश्वत लेने का वीडियो भी सामने आ चुका है, किंतु आज तक इस मामले में कार्रवाई न होने से डॉक्टर के हौसले बुलंद है। अब बात करते हैं आज के मामले पर, जिसमें गोवर्धन थाना क्षेत्र में दो पक्षों में विवाद हो गया। इस विवाद में अजय वाल्मीकि नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गोवर्धन थाना पुलिसकर्मी MLC के लिए बैराल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर आए, परंतु वहां कोई भी डॉक्टर नहीं मिला। घायल युवक के सर से लगातार खून निकलता रहा, परंतु लगभग एक घंटे तक अस्पताल में कोई भी डॉक्टर नहीं मिला। हद तो तब हो गई जब आरक्षक ने ड्यूटी डॉक्टर का पता किया तो वो अपने घर पर मिले। इस दौरान घायल युवक के सर से लगातार खून बहता रहा, परंतु डॉक्टर अपने क्वार्टर से हॉस्पिटल आने के लिए तैयार नहीं था। काफी देर बाद आए डॉक्टर ने पीड़ित को यह कहकर भगाने का प्रयास किया कि आप प्राइवेट में किसी से इलाज करा लो, परंतु वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने कहा कि यह मामला MLC का है। तो डॉक्टर हरीश आर्य ने अस्पताल में स्वीपर को फोन करके टाके लगाने की बोल दिया, जिस पर स्वीपर ने मना कर दिया कि उसे टाके लगाना ही नहीं आता। तब डॉक्टर ने एक नर्स से टाके लगाने की कहा और अपने कमरे में चला गया। पुलिसकर्मी वहां डॉक्टर के घर के बाहर खड़े होकर गेट बजाते रहे, परंतु डॉक्टर ने अपने गेट नहीं खोले। आखिर ऐसे लापरवाह डॉक्टरों पर कब कार्रवाई होगी? बैराल से राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अजय वाल्मीकि। कौन से गाँव के हो? गोवर्धन। क्या मामला है जी, क्या हो गया? आप मतलब झगड़ा हुआ था। अच्छा, तो आपके साथ कौन कौन आया था यहाँ पे? मैं और मेरे साला और सर आए थे। सर कौन? ये खड़े हैं। अच्छा, पुलिसकर्मी? कहाँ से? गोवर्धन से। तो क्या मामला है, क्या दिक्कत आ रही है आपको यहाँ पे? कुछ नहीं, अभी तक टांके भी नहीं लगे और जो मान लो अभी प्राइवेट की बोल रहे थे। अच्छा, क्या बोला आपसे? ये बोला था प्राइवेट में चले जाओ। क्यों, आप यहाँ क्यों नहीं लगा रहे? आपने बोला नहीं बोला।